वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का इतिहास लैके आप सिख संगतां दे सन्मुख हाजिर होया हाँ। अज 18 नवंबर, यह दिन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के जीवन नाल जुड़े हुए तख्त श्री दमदमा साहब के नाल जुड़िया हुआ। 1706 दे विच धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी इस स्थान के उपर भाई डल्ला ते उन्हां दी घरवाली बीबी कपूर उन्हां दे बचना अनुसार इत्थे चरण पाउंदे ने। बेनती नूं प्रवान करके साहब जी इत्थे लगभग 9 महीने टिकाणा करदे ने। इन्हां 9 महीनों दे विच गुरु साहब जी आस पास के इलाकों में सिक्खी का प्रचार करदे ने, नाल ही नाल देशों विदेशों दीआं संगतां दे नाम उपर इत्थों हुक्मनामे भी सिख संगतां तक पहुँचते किए जाते हैं। इस स्थान नूं गुरु के इतिहास के बकायदा तख्त साहब के तौर पर जाना जाता है, परंतु श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों हाले तक कागजी तौर पर इस स्थान नूं मानता नहीं मिली सी। सो पहली बार देश की आज़ादी तो बाद 17 नवंबर 1969 नूं पहली बार श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक अहम मीटिंग दे विच ये मता पाया गया कि तख्त श्री दमदमा साहब नूं भी बाकी तख्त साहबान वांग तख्त साहब घोषित किया जाए। बिल्कुल इस तरीके दे नाल श्रोमणी कमेटी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने सारी जांच पड़ताल करके फिर वड्डे अहुदेदारां दे सामने ये अपना पक्ष रखना सी कि इहनूं तख्त साहब का मान सन्मान दिता जाना चाहिए या बाकी गुरद्वारां दे वांग इहनूं गुरद्वारा साहब ही रहन देना है। 1960 दे विच मास्टर तारा सिंह जी की गिरफ्तारी होंगी। उस तो बाद श्रोमणी कमेटी के उपर सरदार फतेह सिंह जी उन्हां दा प्रधानगी उन्हां दे कोल आउंदी है। वह सारे मालवे के रहण वाले ने। मास्टर तारा सिंह जी इत्थे एक गल कहिंदे ने कि यह मसला मालवे माझे दुआबे जां किसे इलाके का नहीं, यह मसला सिक्खी रवायतां नाल जुड़िया होया है। सो इस मसले नूं बिना किसी भेदभाव के विचारिया जाना चाहिए, परंतु उदों जदों हालात ठीक हो फिर जदों सत्ता सरदार फतेह सिंह जी दे कोल आई उन्होंने फिर दोबारा इस खास विषय नूं ध्यान विच रखदे होया फिर संगतां दी मंग दे उपर इस मते नूं श्रोमणी कमेटी दे सामने रखिया। अज दे दिन 18 नवंबर 1966 नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों समुचे पंथ वास्ते तख्त श्री दमदमा साहब नूं चौथा तख्त साहब घोषित किया गया। सो सतगुरु कृपा करन साढ़े सिख धर्म के कई अजिहे स्थान ने जिहड़े सिख संगतां दी योग अगवाई ना होण दे कारण अणहोंद दे विच ही पए ने। हालांकि इवें दे कई स्थानां दे उपर गलत रवायतां शुरू हो गईआं। कुछ लोकां ने इन्हां चीज़ां दा ही फायदा उठाउंदे होए जो स्थान गुरु साहिबान दे नहीं भी हैन उन्हां नूं भी अपने वल्लों गुरस्थान घोषित कीता। इवें दीआं सैकड़े हज़ारां धारणां तुहानूं तुहाडे अपने आस पास दे इलाकिआं विच वेखण नूं मिल जाणगीआं। फुल चुक दी खेमां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।